गुड मॉर्निंग एवरीवन, सलाम अलैकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अभी सुबह के तकरीबन 7:15 बज रहे हैं और अभी मैं उठी हूँ और सबसे पहले तो जाके मैं भाई लाइट्स ऑफ करूँगी क्योंकि सुबह हो गई है। तो पहले लाइट जो बाहर पोर्च की जल रही थी वो मैं ऑफ़ करूँगी। तो अब मौसम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया है। अब रात को अच्छी खासी ठंड होती है तो फ़ैन भी अगर ज़रूरत महसूस हो तब हल्का सा फ़ैन ऑन कर लेते हैं, वरना बीच में जब ज़रा सी ठंड लगती है तो फ़ैन मैं बंद कर देती हूँ। और अभी आसमान तो बिल्कुल साफ़ है, आज कोई बादल नहीं है, कोई बारिश का चांस नहीं है, तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी मैंने नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं यहाँ पे, और ये मैंने दूध रख दिया, इसमें भी मैंने चीनी पत्ती डालनी है, तवा भी धो के रख दिया है। तो अभी आटा निकाला है, सालन निकाला है, तो मैं पराठे के साथ सालन खाऊंगी और मेरे हस्बैंड से वो जो फुलका होता है उसके साथ खाएंगे सालन। तो वो पराठा नहीं खाते सुबह, वो रोटी खुश्क रोटी जो थी वो खाते हैं। तो अभी मैं फटाफट से जौन सा है अभी नाश्ता बनाऊँगी, तो फिर आपसे बात करूँगी इसके बाद। चाय हमारी उबल चुकी है और साथ में ये मैंने रोटी भी डाली हुई है, तो ये हस्बैंड की रोटी पहले बना रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी रोटी बनाऊँगी। नाश्ता यहाँ पे मैंने कर लिया है, मैंने इंजन से ना ऑलपर्स की क्रीम वो सालन से तो खाई लेकिन उसके साथ मैंने खाई है अभी रोटी पराठा। तो ये अभी टाइम हो रहा है देख लें 7:19 और अभी मैं नाश्ता फिनिश कर चुकी हूँ इस टाइम पे। अभी बाहर बेल हुई है तो मेरे ख्याल से हमारी काम वाली आई है, मुझे तो यही लग रहा है। और मेरी बेटी भी उठी हुई है तो वो भी बाहर गई है देखने के लिए। तो ये आ गई है अब अपने बाबा के साथ अंदर, तो ये भी सुबह सुबह आज बहुत जल्दी उठ गई है। और हमारी मेड आ गई हैं, अभी वो सफाई वगैरह करेंगी और मैं रूम से जाती हूँ आज बाहर। मैं अभी टीवी लाउंज में बैठी हुई हूँ तो मैंने क्या वो अंदर से रूम अच्छी तरह साफ कर लेंगी आज। अभी देख लें 8 बजने वाले हैं और अभी सफाई चल रही है मेड में, ये मेरा बेडरूम अभी ठीक करके गई है। तो मेरी बेटी यहाँ पे मज़े से लेटी हुई है और बड़ी बेटी की तबीयत कुछ सेट नहीं है, उसको पता नहीं क्या रात को आँख पे काट है, वो भी अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको, इसकी आँख काफ़ी स्वेल की हुई है। तो अभी इस छोटी को मैंने नहलाना भी है, इसके मैं कपड़े वगैरह निकालती हूँ और इसको फटाफट से नहलाती हूँ। ये कपड़े मैंने निकाल लिए हैं छोटी के, तो आज इसको रोमपर पहनाऊँगी। तो अभी इसको फटाफट से मैं नहलाती हूँ और इसको फटाफट से इसके कपड़े चेंज करती हूँ। मैं इसको मैंने चेंज करा लिया था और अभी इसको मैं फीडर पिला के सुलाने लगी हूँ, फिर जब सो जाएगी तो उसके बाद मैं बाकी का व्लॉग बनाऊँगी। बड़ी बेटी मेरी सो रही थी और ये छोटी ने ना चुलबुल शुरू की ना, इसकी वजह से ये भी उठ गई है। जी मेरा जानू, जी मेरा नॉन जानू, हैंड नहीं लगाना ना, आइस ख़राब हो जाएगी फिर ज़्यादा। आप ये देखो पोइम, देखो पोइम, देखो नुजी दे रही है। घर में साफ करती हूँ तो इसकी, मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बेचारी 2 महीने के अंदर मेरे घर में 4 से 5 दफ़ा तो बीमार हुई है, कोई ना कोई मसला ही रहा है इसके साथ। आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको सेहत तंदरुस्ती दे, बस जैसे नज़र ही लग गई है वो इसको। माशाल्लाह कहीं भी जाती है ना तो शरारतें तो अपनी, हर बच्चा इसमें शरारतें वगैरह करता है तो अब हर कोई तो देख के माशाल्लाह तो नहीं कहता ना। अब कल भी उधर गई थी मेरे साथ थे ऑफिस में नादरा के, तो वहाँ पे भी ये लगी रही है ना अपनी बस शरारतें करने। मैंने उस टाइम पर वीडियो ख़ुद नहीं बनाई जब ये ज़्यादा शरारतें कर रही हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाती कि पहले ही बेचारी को इतनी नज़र लग जाती है, अभी बीमार इतनी ज़्यादा रहती है। तो अभी भी बेचारी रात को अच्छी खासी सोई है, कोई भी मसला नहीं था उसके साथ, लेकिन ना सुबह उठी है तो पहले कम स्वेल थी लेकिन अभी जब दोबारा सो के उठी है ना अब और ज़्यादा स्वेल हो गई है इसकी आँख।
इसकी देखें कितनी ज़्यादा इसकी स्वेल हुई हुई है। अब पता नहीं क्या मसला है, अब देखती हूँ शाम को शायद डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े। तो आप सब लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को, दोनों बेटियों को सेहत तंदुरुस्ती दे और हर बुरी नज़र से बचाए, प्यार की नज़र से भी अल्लाह ताला महफूज रखे। तो आप सब लोग ज़रूर मेरी बेटी के लिए दुआ करना। हमारे घर की तो रौनक ही है, इससे ही है, पूरे घर में सुबह सुबह उठती है तब से लगी रहती है शाम तक, माशाल्लाह इसी से हमारे घर में रौनक होती है। तो आप सब लोग भी दुआ करना अल्लाह पाक मेरी बेटी को जल्द सेहत अता करे और अब दोबारा ना इसकी तबीयत ख़राब हो। अभी एक हफ्ते के अंदर देखें, पहले इसको बुखार हुआ 102 तक बुखार चढ़ा, फिर साथ ही फ्लू हो गया, बुखार का आराम है तो अभी तक फ्लू भी ठीक हुआ ही नहीं था कि आज उनसे ना एक आँख इस तरह इतनी ज़्यादा स्वेल कर गई है। तो अभी मैं उठ के हांडी वगैरह भी साथ बनाती हूँ, मेरा दिल है कि दाल चावल बना लूँ फटाफट, वही बन जाता है। मेरा दिल है ज़्यादा टाइम इसके पास बैठूँ क्योंकि ये पास से उठ नहीं देती, बार बार रोना शुरू कर देती है। तो मैंने कहीं ज़्यादा ना रोए, पहले इसकी आँख इतनी स्वेल हुई है, तो ये भी अभी उठ गया। तो मैं फटाफट दाल चावल जल्दी से बन जाएंगे, दाल चढ़ा दूँगी कुकर पर और पानी बॉयल होने रख दूँगी चावलों का, तो फटाफट वो बन जाएगा। तो फिर मैं बाद में आपसे बात करूँगी। ओह हांडी हमारी हो गई है रेडी, दाल चावल मैंने बना ली हैं और चावल मैंने ये डाल के रखे हैं, अभी इस पे दाल डालती हूँ। दाल भी बन गई है माशाल्लाह, बड़े मज़े की बनी है। अभी मैंने टेस्ट किया, धनिया नहीं था वरना मैंने धनिया भी डालना था। तो अभी फटाफट से खाना खाती हूँ मैं, दाल डालती हूँ, हो सकता है बेटी भी थोड़ा सा खा ले, तो पहले मैं दाल डालूँ फिर बात करती हूँ। तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ, साथ में थोड़ा सा अचार डाला है। जी जी अंदा पोइम सुननी है? अच्छा मैं आपको पोइम बता कर देती हूँ। और अभी दिन के 1:40 यानी हो चुका है टाइम जी लो। तो अभी मैं खाना खाती हूँ और अपने व्लॉग का भी एंड मैं यहीं पे करती हूँ क्योंकि आज मुझे नहीं लगता मैं बाकी दिन का व्लॉग बना सकूँगी क्योंकि बड़ी बेटी की भी तबीयत सेट नहीं है अभी तक, वो सही तरह खा पी कुछ भी नहीं रही। और छोटी को भी बहुत ही मुश्किल से मैंने सुलाया है और उसके बाद मुश्किल से ही मैंने ना दाल कुकर में लगाई और वो सारा कुछ किया, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, अभी बहुत मुश्किल से सोई है। तो मेरी अपनी भी तबीयत सेट नहीं है, सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, 7 बजे से उठी हूँ। तो अभी इससे रीबा को साथ लिटाऊँगी, खुद भी रेस्ट करूँगी, तो इंशाल्लाह फिर कल नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।